हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सौभाग्यवती भवर 2 स्टार भारत के सीरियल के बारे में। तो गाइस, ऑनलाइन भले इस शो की कितनी भी हाइप वगैरह हो, लेकिन ये हाइप जो हमें टीवी की टीआरपी में देखने को नहीं मिली और स्टार्टिंग से लेके अब तक शो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप ही रहा है और टीआरपी इसकी लो ही रही है। ये रीज़न हम सब जानते हैं, बिकॉज चैनल पर टीआरपी नहीं आ पाती और इस चैनल को रीब्रांडिंग की ज़रूरत है। एनीवेज, मेकर्स पे स्टिल प्रेशर रहता है जब तक शो ऑन एयर होता है कि टीआरपी में इम्प्रूवमेंट आए और टीआरपी में हमें बढ़ाव राइज वगैरह देखने को मिले, लेकिन ये शो की टीआरपी में कोई राइज हमें देखने को मिल नहीं रहा। इसी करके अब मेकर्स ने जो है एक लास्ट ट्राई करी है, शो की टीआरपी को बढ़ाने की एक लास्ट ट्राई कर रहे हैं और वो ट्राई ये है कि धीरज धूपर के करेक्टर को फिनिश करने वाले हैं। मैंने कल ही वीडियो बनाकर आपको बताया था कि राघव जिंदल का जो करेक्टर है वो मार दिया जाएगा इस सीरियल में और आने वाले दिनों में हमें ये एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। पिछले कई एपिसोड्स से सिया और विराज बदला ले रहे हैं इस करेक्टर से, यानी कि राघव के करेक्टर से, और आने वाले दिनों में इसके करेक्टर को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया जाएगा और धीरज धूपर शो को एग्जिट करने वाले हैं। जल्दी इनका लास्ट डे भी होगा इस शो के सेट पर। वैसे मेकर्स ने ये चीज़ सोची हुई थी कि एक पॉइंट पे राघव के करेक्टर को एंड करना है, लेकिन इतनी जल्दी एंड नहीं करना था। बट अब शो आने वाले महीनों में ऑफ एयर भी जाने वाला है ऑलरेडी, तो इसी करके कहानी जो है काफ़ी तेज़ी से चल रही है। एंड एट द सेम टाइम मेकर्स ये भी चाहते हैं कि टीआरपी बढ़ जाए जब तक एटलीस्ट शो चल रहा है, 0.2 तक तो पहुंच जाए, बिकॉज 0.1 आ रही है। तो उन्हें ये लग रहा है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है उनका और इससे टीआरपी में भी बढ़ जाए सीरियल की, इस करेक्टर को मार के विराज डोबरियाल को सेंटर लाकर वो शो को इस लोएस्ट टीआरपी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये होप रख रहे हैं कि इससे कुछ ना कुछ फैंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा और टीवी वाली टीआरपी में भी कोई छोटा मोटा मिरेकल देखने को मिल जाएगा, जिससे एटलीस्ट स्लाइड सा इंक्रीज तो हमें टीआरपी में देखने को मिले। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि धीरज धूपर के करेक्टर को जब एग्जिट करवाया जाएगा तो क्या टीआरपी में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी या फिर नहीं इस शॉकिंग ट्विस्ट से, जैसा कि मेकर्स होप कर रहे हैं। इस शो को टीआरपी बढ़ाने का उनका ये आखिरी अटेम्प्ट है, आखिरी कोशिश है। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए मेकर्स की ये जो कोशिश है वो सफल रहेगी या फिर नहीं, यानी कि राघव के करेक्टर को फिनिश करने के बाद शो की टीआरपी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी या फिर सीरियल की टीआरपी ऐसे ही 0.1 पे अटकी रहेगी। और सौभाग्यवती भवर 2 के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें स्टार भारत के रिलेटेड और इस शो के रिलेटेड। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।